वेलकम बैक शिक्षा धन यूट्यूब चैनल में मैं प्रत्यक्ष कुशेष्टा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जो सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं जूनियर और प्राइमरी के लिए, तो उसमें मैथ का सेक्शन कई बच्चों ने बोला कि मैथ की क्लासेस स्टार्ट करिए। तो मैथ की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो पेपर में उन्हें क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो पेपर छूट जाता है, टाइम कम पड़ जाता है उन्हें। तो ऐसा क्यों होता है? जो बच्चे पूरे अच्छे नंबर से पास होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं जो आप लोग पीछे रह जाते हो? तो आज आपको खुद पता लगेगा कि आप लोगों में और उन लोगों में क्या अंतर रहता है, और आप आज इस वीडियो को देखने के बाद खुद को कितने हजारों लोगों से आगे पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपली 24 × 12। तो अगर आपके पास ये आता है तो हम लोग करने क्या लगते हैं और हमें करना क्या है, ये दोनों ही मैं चीजें आपको बताता हूं। ओके, तो जैसे मैं आपको ये लिख लिया आपसे क्या है 24 × 12। ओके, हम यही करते हैं। क्या करेंगे, पहले 2 × 4 क्या करेंगे, यहां पे 8 आ जाएगा आपका, क्लियर। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 2 × 2 = 4। फिर क्या करेंगे, 1 की करेंगे 4, फिर यहां पे 2, फिर इन सबका एडिशन करेंगे, है ना। तो कितना आएगा, 8 ये आ जाएगा, फिर 8 ये आ जाएगा, फिर ये आपका 2 आ जाएगा। ओके, कितना लंबा प्रोसेस है ना, यहां से लेके यहां तक का। ये काम आपको नहीं करना है। अब जो करना है मैं वो बताता हूं आपको एक लाइन में सिंपली। ओके, इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगा। आगे और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, सही है। तो आप क्या करो, देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्रॉस। आपको क्या करना है मैं बताता हूं आपको, 2 को इस वाले 2 से करो मल्टीप्लाई और 1 को इस वाले 4 से मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस आपको करना है, सही है। तो 2 × 2 = 4 और 1 × 4 = 4, ऊपर भी 4 आया नीचे भी 4 आया, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। कितना हो गया 8 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 8, क्लियर है। अब इन इन की मल्टीप्लाई कर लो, 2 बन गया 2, लो ये आंसर हो गया। ये इतना टाइम तब लगा है जब मैं समझाता रहा हूं, ओके। अदरवाइज ये आप जब करोगे तो ये कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। जब आप ये करोगे तो ये सब हटा देते हैं, अभी मैं भी आपको स्पीड में करके दिखाता हूँ। ये आप जब करोगे तो ये कितनी तेजी में होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्या है, हम इसमें ले लेते मार्कर, क्या है 24 × 12 करना है आपको। क्या करना है, इन इनकी मल्टीप्लाई करनी है 8, 2 × 2 = 4 और 1 × 4 = 4, टोटल मिला के हो गए 8 और 2 बन जा 2, आ गया आंसर, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं आपका 36 × 13। अब वही चीज हमें जो नहीं करनी है अब मैंने आपको वो बता दिया है, करना कैसे है वो देख लेते हैं। 36 × 13 सही है, कितना हो गया 18, 3 × 6 = 18, 1 कैरी। आपको एक ही नंबर लेना है 1, 18 का 8, 1 कैरी, और 3 × 3 = 9 और 1 × 6 = 6, 9 × 6 = 15 और इसका 6 आ गया, 1 कैरी था वो ऐड हो गया 16। अब फिर 16 का 6 लिख लिया, 1 ये हो गया और 3 बन गया 3 और 1 ये इसका आंसर आपके सामने आ गया, क्लियर है, कोई डाउट होप सो नहीं होगा आपको। आगे बढ़े, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है 52 × 41, इसका भी देख लेते हैं, इसका भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। 52 का 41 से, सही है, क्या करेंगे 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो गया। अब 2 5 का 1 से 5 और इसका 8 4 का 2 से 8, तो 8 ये और 5 ये टोटल मिला के कितना हो गया 13, 13 का 3 1 कैरी और ये 4 × 5 = 20 और 1 ये 21, हो गया कितनी फास्ट। और अभी अगर आप नॉर्मली करते तो आप ये करते, ओके, इसलिए आप पीछे रह जाते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में।
ये टू लिखोगे, फिर फाइव लिखोगे, फिर यहाँ पे एट लिखोगे, फिर यहाँ पे आपका 20 आएगा, फिर इसका एडिशन करोगे टू आएगा, फिर ये थ्री आएगा, यहाँ पे कैरी जाएगा, फिर वन आएगा, फिर टू। कितना लंबा प्रोसेस है ना, आपको ये वाला प्रोसेस करना है, ये वाला करना है, ये वाला नहीं करना आज से। ओके चलिए अब आगे और देख लेते हैं इसमें क्या है। 52 × 41। अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो आप इसे वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे ये सभी के लिए बेनिफिशियल हो। हर पेपर में उनकी कैलकुलेशन की आज के टाइम में नीड बहुत ज्यादा रहती है। और चैनल पर रहे हैं तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। 47 को हमें किससे करना है, 23 से। तो कर लेते हैं ऐसे ही सिंपली, 47 को किससे करना है, 23 से करना भाई। तो 7 × 3 = 21 आ गया, 2 कैरी। अब 4 × 3 = 10 और ये 14, 12 × 2 = 24 और 2 = 26 और 2 = 28, 28 × 8 2 कैरी, 4 × 2 = 8 और 2 = 10। लो ये भी हो गया सिंपल फॉर्मेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं इसमें बड़े नंबर थोड़ा लेके। तो ये नेक्स्ट नंबर क्या है, 25 को किससे करना है, 43 से करना भैया। चलो देख लेते हैं, 15 एक कैरी गया, 6 और ये 20, 26 × 1 = 27, 2 कैरी, 8 × 2 = 10। ये भी हो गया सिंपल फॉर्मेट एकदम क्लियर है। तो आज से आपको ये अप्रोच लेनी है। चलिए आगे चलते हैं, इसे हटाते हैं यहां से, आगे चलते हैं। अब कुछ स्क्वायर में आपको करना बताता हूं कि आप करोगे कैसे और करते कैसे थे। ओके अब इसका तो 5 का तो आपको पता है क्या होता है, 25 सही है। 15 का, 25 का, 35 का, 45 का, जिसके एंड में ये 5 आ रहा हो उसके लिए आप क्या अप्रोच लोगे। ओके जिसके एंड में 5 आ रहा है ना, जैसे ये 5 है तो आप सिंपली यहां पे 25 नोट कर लो। और जो पहला नंबर है, जैसे इसमें पहला नंबर क्या है 1, इसके अगला और ले लो, इसके अगला क्या होगा 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2। लो इसका भी हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही 25 में मैंने क्या बताया, 5 25, तो ऐसे लिख लो 2 से नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3, तो 3 × 2 = 6। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं आप लोगों के समझाने के लिए, 25 तो ऐसा ही आ गया, 25 तो ये वाला तो 5 का स्क्वायर हो गया, 6 कैसे आया, 2 आपके पास है, 25 का 2, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 2 से 1 बढ़ाओगे तो 3, कितना हो गया 6, बस ये 6 आपको वहां पे लिख देना है, क्लियर है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 को ही वही का काम करो, 25 और ये 3 का नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 4 हो गया 10, ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। ऐसे ही 25 4 और 5, 4 का नेक्स्ट नंबर 5 तो ये 20 हो गया, लग रहा सिंपल। तो ये अब आपकी कैलकुलेशन ऐसे बढ़ेगी, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं औरों से कि और बच्चे जल्दी कर जाते हैं, हम नहीं कर पाते, वो ये दिक्कत है कि हमें टाइम कम पड़ता है पेपर में, लेकिन टाइम सबके लिए बराबर होता है, आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। ओके अब 55 करते हैं जल्दी से, आप खुद करिए देखिए क्या हो जाएगा, 25 ऑफ 5 × 6 = 30, लो ये भी हो गया। अब ऐसे ही है, इसमें 25 अगला ले लोगे 42 हो गया, अब ऐसे ही इसका 25, इसका 56 हो गया, इसका 25, इसका आपका 72 हो गया, इसका 25, इसका नेक्स्ट नंबर 10 हो गया, तो ये 90 हो गया, क्लियर है। होप सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए, मोटिवेशनल थॉट है, जरा देख लेते हैं इसे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने चाह दिया कि मुझे ये काम करना है और आपको अपने कदमों पर, मतलब आपको जो आप काम कर रहे हो उस पर बिलीव है ना, तो आप मंजिल अवश्य पाओगे। ओके किसी के दूसरे पे नेगेटिविटी अपने से दूर कर दो, कोई भी बोले कि तुम नहीं कर पाओगे, उस आदमी को सबसे पहले दूर हटाओ अपनी लाइफ से, आप ही कर पाओगे उसे। ओके चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। ये नंबर भी बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, भाई इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। तो ये तो आपको पता है कि आप करते कैसे हो, करते कैसे, वही 96 लिखोगे,
फिर 94 लिखोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 24, दो कैरी चला जाएगा, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 चौक 36 और ये 38, क्लियर है। फिर क्या करोगे, इसके बाद आप 9 इसका इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, 5 कैरी चला जाएगा, फिर 9 9 81 और ये 6 आ जाएगा। अब भैया इनका आप एडिशन करोगे, जो कि हमें नहीं करना है, ये आया। अब हम इसे करना कैसे ये बात करते हैं। आपको करना है 96 का मल्टीप्लाई 94 से, सही है। आप इसमें बेस नंबर ले लो 100, ओके। तो देखो ये 100 से कितना कम है, माइनस 4 कम है ना, कम है इसलिए माइनस लगा दिया। अब ये कितना कम है, माइनस 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है, जितना कम है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, कितना हो गया 24। और इसमें से आपको ये वाला नंबर घटा देना है, माइनस है इसलिए घटेगा, या इसमें से ये दोनों में 90 ही आएगा, 96 में से 6 जाएंगे तब भी 90 आएगा, 94 में से 4 जाएगा तब भी 90 आएगा, तो आप 90 लिख दोगे, ये आपका आंसर आ गया। देखिए सेम आए, कुछ नहीं करना पड़ा हमें, कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली है। दोबारा समझा देता हूं, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो, देखिए क्या करना है हमें, हमें लेना है 96 और किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है 94 से, क्लियर है। तो ये कितना 100 से कम है, 4 कम है, अगर हम इसे 4 ऐड कर दें तो 100 हो जाता, ये कितना कम है, 6 कम है, जितने भी कम है इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 चौक 24 और क्रॉस में इसे घटा देना आप, किसी भी एक नंबर को घटा दो, बात उतनी पड़ी है, चाहे आप 94 में से 4 माइनस कर दो तब भी 90 आएगा, 96 में से 6 माइनस कर दो तब भी 90 आएगा, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया बहुत सिंपल वे में। अब यही अप्रोच लेनी है आपको। अब 95 का करके देख लेते हैं, 96 से, सही है, कितना कम है भाई, 5 कम है, ये कितना कम है, 4 कम है, तो ये कितना आ गया, 5 चौक 20, इसमें से इसे आप घटा दो कितना हो गया 91, इसमें से इसे घटाओगे तब भी 91, ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 9120, क्लियर, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 93, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो 93 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 91 से। चलिए 93 को 91 से कर रहे हैं भाई, ये कितना कम है, ये 9 कम है 100 से, ये कितना कम है, 7 कम है, क्लियर है। इन इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 63 हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 84 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 84, ये आपका आंसर, सिंपल मेथड है ना, मजा आ रहा है करने में। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं अगर है इसमें तो, ये और आ गया एक क्वेश्चन, क्या है, इन्हें भी सॉल्व करो भाई, इन्हें क्यों रहने देंगे, 92 को आपको मल्टीप्लाई करना है 97 से, क्लियर है, कितना कम, 8 कम है, इसमें माइनस 3, कितना हो गया 8 3 है 24, और इसमें से इसे घटा दो या इसमें से इसे घटा दो, जो आपको सही लगे, आंसर दोनों का सेम ही आएगा आपका, तो इसमें से इसे घटा दें तो 89, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया सबको। चलिए होप सो आज सभी को अच्छा से समझ में आया होगा, आप करके देखो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे ही अब हम इसमें 3 नंबर का लेके करेंगे, ओके, 3-3 नंबर में क्या आप कैसे कर सकते हो, 2 के नंबर में आप कर करके देखो, प्रैक्टिस कर लो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता देना, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे हम लोग मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, इसे बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।